एक्चुअली मेरा प्लान है कि मुझे मंचूरियन बनाना है, क्योंकि बहुत ठंड है तो मुझे ना गरम गरम मंचूरियन खाने का मन हो रहा है। और अभी यहाँ पे क्या स्पेशल चीज़ ऐसी है जो आपको इंडिया में हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल देसी निधि निरूपा, और मैं हूँ निधि आपके साथ। और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, और आपको मैं दिखाने वाली हूँ कि हम हर हफ्ते का जो सामान खरीदते हैं या डेली का जो सामान खरीदते हैं तो हमें कितने रुपए में वो मिलता है, और कितना डिफरेंस होता है इंडिया के प्राइस में और यहाँ के प्राइस में। जो हम सब्जियाँ लेते हैं, मिल्क लेते हैं, कर्ड लेते हैं, जो भी एवरीथिंग हम घरेलू सामान लेते हैं, वो हमें यहाँ पर कितने रुपये में मिलता है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और अभी शाम के यहाँ पर 4 बज चुके हैं, और देखो वेदर कितना अजीब सा डल हो रखा है, एकदम डिप्रेसिव वेदर हो रखा है। और अभी टेम्परेचर है अराउंड 5, अच्छी खासी ठंड लग रही है, हाथ भी पूरे ठंडे हुए जा रहे हैं मेरे तो जल्दी चलते हैं, चलो लेट्स गो। और मैं ग्रॉसरी शॉप जहाँ से शॉपिंग करती हूँ हमेशा, वहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी ग्रॉसरी शॉप है, बट मैं अभी आई हूँ यूरो स्पार में, जो यहाँ का बहुत बड़ा स्टोर है, सुपर मार्केट है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आपको मिल जाती है A to Z। ये है स्पार, यूरो स्पार, चलते हैं अंदर। हाँ, लेकिन अभी तो मास्क लगाना पड़ेगा ना, मास्क मैंडेटरी है यहाँ पर। और अब मैं अपने मास्क के साथ रेडी हो गई हूँ, और अभी मैं जाती हूँ अंदर। चलो अभी मुझे जाके लेना पड़ेगा ट्रॉली। अभी जैसे ये ट्रॉली खुला हुआ है, अदरवाइज इस ट्रॉली में यहाँ पे हमें 1 यूरो डालना पड़ता है तब ये बाहर आता है, बट किसी ने ऐसा ही पता नहीं छोड़ दिया है लग रहा है। अभी हम पहले फ्रूट सेक्शन में जाते हैं, और वेजिटेबल वाले सेक्शन भी मुझे लेना है पालक। तो यहाँ पे आता है एक बेबी पालक, इसकी प्राइस है, बेबी पालक की प्राइस है यहाँ पे 1 यूरो 99 सेंट। इसका मतलब है ये इंडिया के अकॉर्डिंग 160 to 180 रुपीज़, 160 से लेके 180 रुपये के बीच का होगा ये पालक इंडिया में। पम्पकिन भी लेना है, तो मैं सोच रही कौन सा वाला पम्पकिन लूँ। पर यहाँ पे पम्पकिन की प्राइस है पर केजी 598, मतलब 1 किलो का अगर आप पम्पकिन लेते हैं, पम्पकिन में स्कुमड़ा है ना, तो वो हमको अराउंड 6 यूरो का पड़ेगा। इट मीन्स होगा वो उसका कॉस्ट, मतलब अच्छा खासा हो जाएगा, 500-600 रुपये हो जाएगा। ये वाला पम्पकिन थोड़ा कम रेट का है, इसमें भी डिस्काउंट चल रहा है कुछ, तो ये 1.2929 मीन्स 125 या 120 रुपये का पड़ेगा ये पम्पकिन जो है। तो मैं ये वाला लेती हूँ, क्योंकि मैं अधिक ये ज़्यादातर यही वाला यूज़ करती हूँ घर पे। अभी देखो ऑरेंजेस भी हैं यहाँ पे, ऑरेंज अभी नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ठंड है, तो अभी बिल्कुल गला ख़राब हो सकता है, तो ऑरेंज नहीं लेंगे अभी। अभी मुझे लेना है ये बायो गाजर, जो मैं अभी पिक कर रही हूँ। बायो गाजर कौन सा है, ये वाला। इसकी इतने से इस गाजर की प्राइस है 1 kg 169, इसका मतलब ये 150 रुपये का है ये गाजर जो मैंने अभी लिया है ये। अभी मुझे लेना है 1 पोटैटो, तो ये 1 kg पोटैटो मुझे मिल रहा है 179 यूरो का, ये मतलब 150 से 160 के बीच का ये पोटैटो है। एक्चुअली मेरा प्लान है कि मुझे मंचूरियन बनाना है, क्योंकि बहुत ठंड है तो मुझे ना गरम गरम मंचूरियन खाने का मन हो रहा है। पता नहीं मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है कि नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो मैं बहुत तेज़ आवाज़ बात नहीं कर सकती, इसलिए मैं धीरे बात कर रही हूँ। तो मैं मंचूरियन बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मुझे सामान लेना है। तो अभी मैं ले रही हूँ इसमें एक पत्ता गोभी, ये जो पत्ता गोभी मैं ले रही हूँ इसकी प्राइस है 129 का है ये। अब अगर आप चाइनीज़ फूड बना रहे हैं तो आपको स्प्रिंग ऑनियन तो चाहिए ही होगा, तो ये स्प्रिंग ऑनियन मैंने एक बंडल लिया है, इसकी प्राइस है 149 पर बाउंड। इसका ये लगभग 130 या 140 रुपये का मुझे ये मिल रहा है यंग ज्वाइबल। नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये लेती हूँ मैं, तो ग्रीन लग रहा है। ये है देखो चेरी टमेटो, यहाँ पे भी मिलता है चेरी टमेटो, जो हम इंडिया में चटनी बनाते हैं ना, जिसकी सिलबट्टे पे, पता नहीं आप लोग बनाते हैं कि नहीं, हमारे यहाँ तो बनती है भाई सिलबट्टे पे बकायदा, ऐसी वाली टमाटर की चटनी बनती है, आज भी बनती है। और मैंने ये वाला टमाटर लिया है जो 600 ग्राम है, और ये मुझे 2 यूरो कुछ का पड़ा है। हाँ, यहाँ पे देखो मूली भी मिल रही है, यहाँ पे मूली भी है, मूली की प्राइस है 189 पर 2। तो मूली तो मुझे खानी नहीं है अभी,
और मुझे आपको मैं अच्छी एक चीज़ दिखाती हूँ कि यहाँ पे अभी भी 12 महीने मिलती है वो चीज़ जो इंडिया में 12 महीने नहीं मिलती, बट यहाँ पे अवेलेबल है और वो है मैंगो। तो मैंगो यहाँ पे भी पूरे साल पे आपको मिलेगा, जब भी आपको खाना है आप मैंगो ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ, मुझे ये कीवी लेना है, कीवी मुझे बहुत पसंद है। स्वीट पोटैटो ये भी यहाँ पे मिलता है, कांदा कहते हैं हमारे यहाँ पे। ये जो चिकनी तुरई होती है ना इंडिया में, बस वो चिकनी तुरई समझती हूँ मैं, उसी स्टाइल में इसको बनाती हूँ, हमेशा लेके जाती हूँ। और ये अदरक की कॉस्ट है 229। और अभी यहाँ पे क्या स्पेशल चीज़ ऐसी है जो आपको इंडिया में हर जगह अवेलेबल नहीं है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो जो पीने वाले हैं उन वो देखते ही ना थोड़ा सा उनको लगेगा कि उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो चाहे लॉकडाउन हो चाहे कुछ हो, जैसा भी हो, यहाँ पर वाइन है, बियर है, जो भी है उसका हर प्रॉपर सुपर स्टोर में एक बड़ा सा सेक्शन रहता है। और वहाँ पे आपको पूरे एक से बढ़कर एक वैरायटीज के वाइन मिलेंगे, बियर मिलेंगे, जो भी ड्रिंक आपको चाहिए। यहाँ वाइन सेक्शन में, और ये देखिए जो वाइन है जैक डेनियल, ये इंडिया में अच्छा खासा बहुत महंगा मिलता है, बट यहाँ पर है ये 23 यूरो का, मतलब मान के चलिए आपको 2 से 2.5 हज़ार में आपको ये वाइन मिल जाएगी यहाँ पर। और काफ़ी चीप है यहाँ पे वाइन, और जितने भी ड्रिंक्स हैं, बियर है, उसकी प्राइस यहाँ पे बहुत चीप है। लेकिन यहाँ पर लोग ऐसे टूट पड़े वाले नहीं रहते हैं, इसलिए सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, ये सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है यहाँ पर। और अभी मैं दिखाती हूँ आप, और ये जिम बिम की प्राइस यहाँ पे 16 यूरो है, और जैक डेनियल की प्राइस यहाँ पे 23 यूरो है। तो वाइन यहाँ पे काफ़ी सस्ता है और बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर सब्जियाँ तो बहुत महंगी हैं, बाकी फ्रूट्स महंगे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं, लेकिन हाँ ड्रिंक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीप हैं और बहुत सस्ते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम इंडिया जाते हैं यहाँ से तो हम 2 बॉटल से ज़्यादा नहीं लेके जा सकते, सस्ती भी है तो, क्योंकि एक पर्सन को 2 ही बॉटल अलाउ रहता है। तो यहाँ पर इस जगह पर वाइन भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगी और बहुत सारे ड्रिंक्स मिलेंगे और बहुत ही सस्ते मिलेंगे आपको। और अभी मैं आगे के सेक्शन में आ रही हूँ, यहाँ पर मुझे जाके लेना है शुगर लेना है मुझे, तो अभी मैं ब्राउन शुगर लेती हूँ। तो ये वाला मैं ब्राउन शुगर अभी पिक कर रही हूँ। यहाँ पे सॉस है, मायोनीज है, हर्ब्स है सारे, कुछ पैंस वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पर। ये मैं बायो मिल्क ले रही हूँ यहाँ से, और जिसकी प्राइस अभी ये डिस्काउंट में मिल रहा है शायद, इसकी प्राइस है 129, 1 यूरो 29 सेंट का है ये, 1 लीटर है ये, और ये मान के चलो आप 110 से 120 यूरो का ये मिल्क पड़ेगा। तो अभी मेरे पास घर पे भी मिल्क रखा हुआ है, फिर भी मैं सोच रही हूँ कि मैं 2 पैकेट और ले लेती हूँ, क्योंकि मिल्क ऐसी चीज़ है ना कि आपको बार बार कर्ड और मिल्क तो डेली का चाहिए ही चाहिए। तो अभी ऐसा वेदर रहता है तो हम डेली ऐसे शॉप पर नहीं आते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम 3-4 दिन में एक बार आए। और अभी मुझे कर्ड लेना है, तो मैं ये वाला एक कर्ड ले रही हूँ, क्योंकि कर्ड भी घर पे रखा हुआ है मेरे पास, तो मैंने अभी एक ही बॉटल लिया है ये। इसकी प्राइस है कर्ड की 89 सेंट का, ये मतलब ये जो मेरे को कर्ड है ये कितने 500 ग्राम का कर्ड है, और ये मुझे पड़ा है अभी 50-60 रुपये का पड़ा होगा शायद। और ये देखो एक चीज़ यहाँ पर भी मिलती है, ये वाली बिस्किट, आप लोग को ध्यान होगी तो, ये जो हम इंडिया में खाते हैं क्या बोलते हैं यार इस बिस्किट को, मुझे मोनैको, यस यस मोनैको, मोनैको बिस्किट की कॉपी सेम यहाँ पे भी मिलती है क्लब करके, तो ये बिस्किट हम यूज़ करते हैं समटाइम, तो ये मैं एक ले रही हूँ। मतलब ये आप ऐसे बोलोगे तो सारे ड्रिंक्स और साथ में आप जो चकना यूज़ करते हैं वो आप ले लीजिए, तो ड्रिंक्स के साथ चकने की भी बहुत सारी वराइटीज़ है यहाँ पे। यहाँ पर मैंने ये वाला सिरप लिया है, ये आप पानी में डाल के पी सकते हैं, अच्छा रहता है ये काफ़ी। और यहाँ पे ऐसे देखिए बियर का ना पूरा ऐसे केन मिलता है, छोटे छोटे जो बियर्स आते हैं ना ड्रिंक्स का, ये पूरा केन लेके लोग जाते हैं यहाँ पर पार्टी करने के लिए। और अभी मैं आ गई हूँ ब्रेड सेक्शन में, तो यहाँ पे देखो ब्रेड की, ये जो ब्रेड है ये 255 यूरो का है, मतलब 200 से ऊपर का ये ब्रेड है एक ब्रेड, तो मैं ये वाला ब्रेड लेती हूँ ज़्यादातर ओल्स का। तो ये मुझे मिला है अभी डिस्काउंट में 179 सेंट का, मतलब 150 यूरो का ये ब्रेड है।
के बाद यहाँ पे आ जाता है चॉकलेट सेक्शन। यहाँ पे सारी चॉकलेट्स हैं, बहुत टाइप की वैरायटीज हैं यहाँ पे चॉकलेट्स की। चॉकलेट भी यहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिया में, फ्रोजन सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। फिर इधर पे और भी जैसे डायपर वगैरह बच्चों का, इधर पे सारे सेक्शन है ये। और यहाँ पे बिलिंग सेक्शन में भी लाइन लगा हुआ है, आज मैं बिल कराने वाली हूँ। चलो फिर मैं बताती हूँ कितने का हुआ मेरा सामान। मैंने इतना सारा सामान लिया है अभी, ये सारा बिलिंग हुआ है अभी मेरे को। हाँ पड़ा ये सारा सामान 57 यूरो का, इट मीन्स अराउंड 5000 लगभग के आसपास, 4800 या 5000 के आसपास ये मुझे सारा सामान पड़ा है। तो ये है, और ये सारा सामान अभी पूरे एक हफ्ते के लिए नहीं है, अभी मुझे बीच में एक बार और आना पड़ेगा शॉपिंग करने के लिए। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स काफ़ी महंगे हैं, फ्रूट्स काफ़ी महंगे हैं। हाँ ड्रिंक्स यहाँ पे बहुत सस्ता है, वाइन यहाँ पे बहुत सस्ता है, और कुछ कुछ चीज़ें सस्ती हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है। तो अभी मेरी शॉपिंग हो चुकी है और अभी मैं सारा अपना ग्रॉसरी लेके जा रही हूँ घर, और अभी 5:30 बजे हुए हैं। 1.5 घंटे में मैंने सारी शॉपिंग फिनिश की, और अभी हो चुका है रात, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे विंटर आता है बहुत जल्दी यहाँ पे रात हो जाती है, 4 बजे यहाँ पे अंधेरा होने लग जाता है। तो आज का वीडियो मैं यही एंड कर रही हूँ, और जल्दी से जाके मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर अमेजिंग वीडियो। बाय बाय।